हमारे पास 20 नंबर है, ओके। तो देखो क्या मिला हुआ है 20 में, 3x प्लस 4 डिवाइड में 6x प्लस 7। आप इसको भी सोचो किस तरह सॉल्व करोगे, सॉल्व ही नहीं होगा, बराबर ना। तो इसमें भी इसी तरह सोचना है, डिवाइड में क्या है 6x प्लस 7 है, तो मुझे 6x प्लस 7 ऊपर भी लेके आना है। जैसे 19 नंबर हमने किया, डिवाइड में x प्लस 2 था, तो मैं ऊपर भी x प्लस 2 लेके आया, बराबर ना। अभी इसमें भी ऐसे ही सोचना है, डिवाइड में 6x प्लस 7 है, तो मैं क्या करूं, ऊपर जो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x का क्या हो जाएगा 6x, ओके। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऊपर नीचे करना पड़ेगा कंपल्सरी। मीन्स इस तरह देखो, इंटीग्रेशन आपके पास है 3x प्लस 4 डिवाइड में है 6x प्लस 7, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये जो है आपकी इक्वेशन मीन्स ब्रैकेट वो सेम रखा, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। पर क्या डिवाइड में तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ही नहीं है, पर हाँ ऊपर करना पड़ेगा। तो मैं ये जो नीचे जो है इससे मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, ये मैं सिर्फ बाहर रख देता हूँ 1.2, डिवाइड में 2 है ना वो सेम रख रहा हूँ, और ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, और ये 2 जो है मैं बाहर लेके आया, अलग कर दिया, मतलब इसका इंटीग्रेशन वैसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो मैंने बाहर लेके आया, तो ये ध्यान रखना डिवाइड में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ऊपर करना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर हमें 6x लाना है, ठीक है ना। तो मैंने 2 अलग कर दिया, और 2 से इधर इंटू करूं तो क्या होगा 6x प्लस 8, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, ओके, एंड डिवाइड में 6x प्लस 7 dx। मींस क्या है, जब ऊपर नीचे सॉल्व नहीं होते हैं तो डिवाइड में जो मिला हुआ है उसको ऊपर भी लेके आना, ऐसे सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, फिर उस हिसाब से करना है। फिर ये 1/2 सेम इंटीग्रेशन, अभी इसको 6x प्लस 8 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6x प्लस 7 प्लस 1, 8 की जगह 8 को स्प्लिट कर दिया, प्लस 7 प्लस 1 कर दिया, तो देखो डिवाइड में भी वही है ना हमारे पास 6x प्लस 7, ठीक है। तो इस तरह आपको लेके आना है। अभी इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये 1/2 से इंटीग्रेशन, ये मैं लिखूंगा 6x प्लस 7 डिवाइड में भी 6x प्लस 7, ठीक है, ऊपर 6x प्लस 7 डिवाइड में भी, पीछे प्लस 1 है तो प्लस 1 एंड डिवाइड में 6x प्लस 7, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। क्या किया, सिर्फ इसको इससे डिवाइड किया, प्लस 1 इससे डिवाइड किया, एलसीएम निकालूंगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा नीचे एक ही बार आएगा ना, तो सबसे डिवाइड करना है कंपल्सरी, जो रूल्स है उसको ही फॉलो करना है। अभी क्या करोगे, ये 1/2 इंटीग्रेशन 6x प्लस 7, 6x प्लस 7 कट जाएगा, रिमेनिंग क्या बचा 1, एंड ये सेम 1 डिवाइड में 6x प्लस 7, ओके। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये 1/2 सेम इंटीग्रेशन करोगे, 1 का क्या होगा 1x, मैंने आपको बताया 1 का 1x, 2 का 2x, जो भी कांस्टेंट होगा x लग जाएगा, एंड प्लस 1/6x प्लस 7, तो उसका भी अभी मैंने बताया log 6x प्लस 7 एंड x के साथ जो होता है वो डिवाइड में, वो डिवाइड में आता है, ठीक है, एंड पीछे प्लस c, ठीक है। क्या किया मैंने, 1 का 1x किया, फिर 1/6x प्लस 7 है तो log ये 6x प्लस 7 और x के साथ जो होता है वो डिवाइड में, पीछे प्लस c। अभी इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो ये रखोगे तो भी चलेगा, ये आंसर राइट है, पर आगे अगर जो सॉल्व करना हो तो आगे भी कर सकते हो, भाई 1/2 से x से मल्टीप्लाई कर दो, x 2 होगा, फिर प्लस 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 12 हो जाएगा ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/12, या तो log और डिवाइड में सिर्फ 12 लिखोगे तो भी चलेगा, तो मैं अलग कर देता हूँ, 2 6 12 एंड 1 सेम, और इसके साथ आएगा एंड 2 में log 6x प्लस 7, ठीक है, एंड पीछे प्लस सी इस तरह, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा 20 नंबर भी सम कंप्लीट हो गया।